श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यंगेर अय्यप्पन था। भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ। उनके पिता का नाम अय्यप्पन यंगेर और उनकी माँ का नाम राजेश्वरी अंबिका यंगेर था। श्रीदेवी की मातृभाषा तेलुगु थी और तमिलनाडु में पली बड़ी तो तमिल भाषा भी अच्छे से बोलना जानती थी। श्रीदेवी का अभिनय करियर 4 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। उन्होंने 1967 में तमिल फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर अभिनय किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म साल 1972 में रानी मेरा नाम रही। यह फिल्म श्रीदेवी को पहचान दिलाने वाली फिल्मों में से एक रही। उन्होंने अपने करियर के दौरान तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में कई बड़ी फिल्मों में काम किया और रंगीन भूमिका निभाई। श्रीदेवी की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से कुछ हिम्मत वाला, नागिन, चांदनी, लम्हे, जुदाई, मिस्टर इंडिया और लाडला है। अपनी अभिनय कला से उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। श्रीदेवी का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि उन्हें भारतीय सिनेमा की नगीना कहा जाता था। श्रीदेवी ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जिसमें फिल्मफेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड और पद्मश्री सम्मान शामिल हैं। उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अनोखी छाप छोड़ी है और उनकी फिल्मों का अभिनय आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने साल 1996 में बोनी कपूर से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। शादी और घर की जिम्मेदारियां आने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया और किसी को भी जब ये उम्मीद नहीं थी कि वो अभिनय उद्योग में फिर से दिखेंगे, तब उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से 15 साल बाद अपना बॉलीवुड कमबैक किया। इसके बाद साल 2017 में श्रीदेवी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म मॉम में दिखी, जिसमें इनके काम की बेहद तारीफ हुई। यदि हम श्रीदेवी की सफलता की बात करें तो वो अपनी प्रतिभा और मेहनत के कारण अपने करियर में इतनी सफलता प्राप्त कर पाई। अपने एक्टिंग करियर में इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी उद्योग की फिल्मों को मिलाकर 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हमेशा और बेहतर अभिनय करने का प्रयास किया और अपने अंदाज में निभाए गए रोल के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उनका परिवार, उनके साथी कलाकार और उनके प्रशंसकों ने उन्हें हमेशा सम्मान और प्यार दिया है। हालांकि 2018 में उनकी अचानक मृत्यु ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को भारी चोट पहुंचाई, लेकिन उनका योगदान और उनकी महानता कोई भी नहीं भूल सकता। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।